राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी, अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार उन्नी, अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। वाइस एडमिरल हरीश चंद्र सिंह बिष्ट, अति विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल जसबीर वालिया, वायुसेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा, उत्तम युद्ध सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार। लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश लक्ष्मण चव्हाण, अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल वेलु नायर, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार। वाइस एडमिरल जयवंत कुमार कोरडे, अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल सुंदर रामन नीलकंठन, युद्ध सेवा मेडल वायुसेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव तलवार, अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह, उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल सेवानिवृत्त। एयर मार्शल वीरेंद्र मोहन खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र, मेजर रोहित सूरी, दी पैराशूट रेजिमेंट। मेजर रोहित सूरी उस दल के मिशन लीडर थे जिसे जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने पर कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया था।
जब दल आतंकवादी ठिकानों के निकट आगे बढ़ रहा था, उसी समय आतंकवादियों ने अनिश्चित रूप से गोलीबारी शुरू कर दी। आपने सुदृढ़ इच्छा शक्ति और युद्ध नेतृत्व की उच्च क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपने दल को आगे बढ़ने तथा खुले में आतंकवादियों का मुकाबला करने का निर्देश दिया। आपने अपने साथी के साथ निकट पहुंचकर वहां पर खड़े दो आतंकवादियों को मार गिराया। तत्पश्चात खुले में सभी आतंकवादियों को मार गिराने के बाद आपने फायरबेस को लक्ष्य पर हमला करने का निर्देश दिया। जंगल में दो आतंकवादियों की हरकत का पता चलने पर अपने दल पर उत्पन्न खतरे को भांपते हुए आपने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए निजी हथियार से आतंकवादियों का मुकाबला करके निकट के मुकाबले में दोनों ही आतंकवादियों को निष्प्रभावी कर दिया। मेजर रोहित सूरी ने अपनी निर्णायक सोच, पेशेवर दृष्टिकोण, योद्धा स्वभाव, अनुकरणीय नेतृत्व तथा कर्तव्य से ऊपर उठकर अपने साहस से कार्य का क्रियान्वयन परिपूर्ण रूप से सुनिश्चित किया और निकट मुठभेड़ में चार आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मेजर रोहित सूरी। युद्ध संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र रामराव निंभोरकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल एवं बार, विशिष्ट सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार, लेफ्टिनेंट जनरल सुरिंदर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप सिंह मेहता, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल जगबीर सिंह चीमा, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल आशीष रंजन प्रसाद, विशिष्ट सेवा मेडल।
एयर मार्शल संजय शर्मा। एयर मार्शल जसजीत सिंह क्लेयर वायुसेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल रमन धवन विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार शर्मा सेना मेडल सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अनिल खोसला सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल एवं भार। मेजर जनरल देव अरविंद चतुर्वेदी सेना मेडल। मेजर जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल गोपाल गुरुंग सेना मेडल। मेजर जनरल हरिंदर सिंह युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल राजेंद्र कुमार सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। रेयर एडमिरल सतीश बजाज अति विशिष्ट सेवा मेडल। रेयर एडमिरल मोंटी खन्ना नौसेना मेडल। एयर वाइस मार्शल राजीव गंडोत्रा। एयर वाइस मार्शल बलभद्र राधाकृष्णा शौर्य चक्र।
एयर वाइस मार्शल शिवशंकर शर्मा। एयर कॉमोडोर दीपक गौड़। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र नायक अब हवलदार बीर सिंह 21वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल। नागालैंड के दन पंगशा इलाके में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र में 28 अगस्त 2015 को अभियान पंगशा शुरू किया गया, जिसमें नायक बीर सिंह उस दस्ते के कमांडर थे जिसे NSCNK के विद्रोहियों के वाहनों को घात लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नायक बीर सिंह व उनके साथियों की त्वरित कार्रवाई से उग्रवादी अचंभित रह गए और उन पर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। बिजली की गति से पलटवार करते हुए आपने एक उग्रवादी को मौत के घाट उतार दिया तथा दो अन्य को घायल कर दिया। गोलीबारी से आप घायल हो गए तथा एक गोली आपकी जांघ की हड्डी में लग गई, परंतु घायल होने के बावजूद एक अन्य उग्रवादी पर अचूक निशाना लगाकर आपने उसे भी मार गिराया। बुरी तरह से बह रहे रक्त और गंभीर जख्मों के दर्द की तनिक भी परवाह न करते हुए आपने आतंकवादियों की गोलीबारी का लगातार माकूल जवाब देते हुए अपने दस्ते पर नियंत्रण रखने और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में असाधारण प्रतिबद्धता का परिचय दिया। इस प्रकार नायक बीर सिंह ने अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर असाधारण शौर्य, पक्के नेतृत्व तथा साहसपूर्ण वीरता दिखाते हुए तथा भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए सर्वोच्च मानकों का प्रदर्शन किया। हवलदार बीर सिंह, कैप्टन गौरव शरद यादव, तोपखाना रेजिमेंट 36वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स। कैप्टन गौरव शरद यादव ने 17 सितंबर 2015 को रात्रि 9 बजे जम्मू और कश्मीर के बांदीपुर जिले के शत्रु चौकी एलसी हट के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सर्वाधिक जोखिम भरे और दुर्गम क्षेत्र में 10 अन्य रैंक के कार्मिकों के साथ घात लगाई। रात्रि 11:45 पर अपनी तरफ आते आतंकवादियों को देखकर आपने सही समय पर पुनः घेराबंदी शुरू की। दोनों तरफ से 15-20 मिनटों तक भीषण गोलीबारी होती रही। आपको ऐसा अंदेशा हुआ कि आतंकवादी नियंत्रण रेखा से अंदर आ सकते हैं, ऐसे में अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अदम्य साहस के साथ गोलीबारी के बीच आप कूद पड़े और एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी बीच दूसरे आतंकवादी ने आप पर एक ग्रेनेड फेंका। अपनी अतुलनीय सैन्य सूझबूझ दिखाते हुए आपने एक आतंकवादी को ग्रेनेड फेंककर रोके रखा तथा पक्के इरादे के साथ इस अवसर का फायदा उठाते हुए दूसरे आतंकवादी के सिर में गोली मार दी। कैप्टन गौरव शरद यादव ने इस अभियान के दौरान निश्चित मृत्यु के सामने अपने साहसपूर्ण कृत्य और बिना किसी हताहत के नेतृत्व करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। कैप्टन गौरव शरद यादव, मेजर अब लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल देव सिंह, द जम्मू कश्मीर राइफल्स, 3rd बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। 4 अक्टूबर 2015 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के हरिगांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर मेजर राहुल देव सिंह ने अपने दल के साथ उस क्षेत्र की घेराबंदी शुरू कर दी। तभी दो आतंकवादी घर से बाहर आए और तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे, जिससे आपका साथी घायल हो गया। तुरंत जवाबी कार्रवाई से आतंकवादियों को रोककर उनमें से एक को घायल कर आपने भीषण गोलीबारी के बीच से अपने साथी को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
बाद में 23 नवंबर 2015 को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के सिलीगाम गांव में एक अन्य अभियान में जब आपके नेतृत्व में तलाशी दल पर आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी की गई, तब भारी गोलीबारी की परवाह न करते हुए अपने साथियों की कवर फायरिंग की मदद से और अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए आपने असाधारण वीरता और अद्भुत साहस का परिचय दिया और नज़दीक पहुंचकर एक आतंकवादी को अकेले ही मार डाला। मेजर राहुल देव सिंह ने दोनों अभियानों के दौरान अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अदम्य साहस, असाधारण नेतृत्व और सामरिक सूझबूझ का परिचय दिया, जिसके कारण 3 खूंखार आतंकवादियों का सफाया हो सका। लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल देव सिंह। सिपाही हरि क्षेत्री, द मेकेनाइज्ड इन्फेंट्री, नवी बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। सिपाही हरि क्षेत्री जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले के खांदीपुरा गांव में चलाए गए एक अभियान दल के सदस्य थे। ये अभियान लश्करे तैयबा के मुखिया अबू कासिम को पकड़ने के लिए चलाया गया था। आपको घेराबंदी में एक अवरोधक के रूप में तैनात किया गया था। 29 अक्टूबर 2015 को रात्रि लगभग 2:15 पर एक संदिग्ध व्यक्ति को आपने अपनी ओर आते हुए देखा। उस आतंकवादी ने आप पर एक ग्रेनेड फेंका और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ग्रेनेड के फटने से बिना घबराए आप संयमित और मानसिक रूप से सजग रहे और जवाबी गोलीबारी कर आतंकवादी को घायल कर दिया। घायल आतंकवादी आप पर गोलियां बरसाता रहा। आप कर्तव्य से आगे बढ़कर अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए मैदान में डटे रहे और गोलियां चलाते रहे और अंततः उसे मात्र 3 फीट के फासले से आपने मार गिराया। सिपाही हरि क्षेत्री ने कर्तव्य से आगे बढ़कर असाधारण शौर्य, तत्कालिक विवेक और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक आतंकवादी का सफाया हुआ। सिपाही हरि क्षेत्री। कॉर्पोरल गुरुसेवक सिंह, भारतीय वायुसेना, सुरक्षा मरणोपरांत। कॉर्पोरल गुरुसेवक सिंह को 1 जनवरी 2016 की शाम को वायुसेना स्टेशन पठानकोट में विशेष ऑपरेशन के लिए गढ़ो टीम में शामिल किया गया था। इन्होंने 2 जनवरी 2016 की रात को 3:10 पर तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के एक समूह को देखा और अपने पूरे हमलावर दस्ते को चौकन्ना करने के बाद आतंकवादियों को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़े। इसी दौरान इनकी टीम पर 4 आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें इनकी टीम का एक सदस्य बुरी तरह घायल हो गया। कॉर्पोरल गुरुसेवक सिंह ने अपने साथी अफसरों के साथ आतंकवादियों को भीषण गोलीबारी में उलझाए रखा। इस हमले में इन्हें 3 गोलियां लगी, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्होंने घायल होने के बावजूद वहां से हटने से मना कर दिया और उन 4 आतंकवादियों को उलझाए रखने के लिए अपने साथी अफसर के साथ नज़दीक से अपने अंतिम सांस तक गोलीबारी करते रहे। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जवाबी हमला जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवादी 25 मिनटों से भी अधिक समय तक उसी स्थान पर उलझे रहे और तब तक हमारी सैन्य टुकड़ियाँ वहाँ पहुँच गई। इनके अद्भुत साहसिक प्रयासों के कारण ही आतंकवादी वायुसेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए और इस प्रकार सभी वायुयानों और अन्य सामरिक हथियारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। कॉर्पोरल गुरुसेवक सिंह ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में वृत्ति दक्षता, अनुकरणीय साहस और टीम भावना का परिचय दिया और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय गुरुसेवक सिंह की पत्नी श्रीमती जसप्रीत कौर और साथ में उनकी माता श्रीमती अमरीक कौर। नायक शिंदे शंकर चंद्रभान, मराठा लाइट इन्फेंट्री, 41वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। 12 फरवरी 2016 को दोपहर 1 बजे जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मरसारी गांव में एक खोजी विध्वंस अभियान में नायक शिंदे शंकर चंद्रभान गनर सहदेव मारुति मोरे के साथ स्काउट थे।
दोपहर 2:15 पर जैसे ही टीम संदिग्ध मकान के पास पहुंची, तभी अचानक उस मकान में छिपे आतंकवादियों ने भारी स्वचालित गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद नायक शिंदे ने बहादुरी के साथ जवाबी हमले में आतंकवादियों को आगे बढ़ने से रोके रखा और इस तरह अपने साथी गनर मोरे को रेंगते हुए दरवाजे तक पहुंचाने में मदद की। वे अडिग रहे और अपने जख्मों की तनिक भी परवाह न करते हुए नायक शिंदे ने गनर मोरे को मकान में प्रवेश करवाने में असाधारण धैर्य का परिचय दिया। अपने साथी को गोली लगते देख नायक शिंदे आतंकवादियों पर टूट पड़े और एक आतंकवादी को बहुत ही नजदीक से मार गिराया। वहां और अधिक आतंकवादियों के मौजूद होने और अपने टीम के सदस्यों की जान को खतरे में पड़ते देख नायक शिंदे ने आतंकवादियों पर युक्तिपूर्वक पीछे से हमला कर दिया और मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें उलझाए रखा और दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। वे प्रभावी रूप से लगातार गोलीबारी करते रहे और आतंकवादियों को रोक कर रखा। इस दौरान उन्हें कई गोलियां लगी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अंतिम सांस तक लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। नायक शिंदे शंकर चंद्रभान ने असाधारण साहस, गंभीर व्यक्तिगत खतरे का सामना करने में साहसिकता और अदम्य युद्धक भावना का प्रदर्शन किया और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दो खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया और अपने टीम के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक शिंदे शंकर चंद्रभान की पत्नी श्रीमती सुवर्णा। कैप्टन तुषार महाजन, 9वीं बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल मरणोपरांत। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में 20 से 22 फरवरी 2016 तक चले पंपोर भवन हस्तक्षेप ऑपरेशन के दरमियान कैप्टन तुषार ने गंभीर रूप से जख्मी लांस नायक ओम प्रकाश को गोलीबारी से बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल दिया। तीसरे तल पर पहुंचते समय उनके दल पर आतंकवादियों ने एक कमरे से हमला कर दिया। इसकी परवाह न करते हुए कैप्टन तुषार महाजन ने ग्रेनेड से हमला किया और कमरे को खाली करवा दिया जिसमें गोलीबारी से आग लग गई थी। भवन से निकलते समय आगे के कमरे से हो रही भीषण गोलीबारी के कारण उन्हें वहीं रुकना पड़ा। अपने दल के लोगों को खतरे में देखकर कैप्टन तुषार साथ साथ गोलियां चलाते रहे और ग्रेनेड फेंकते हुए आगे बढ़े। इसी दौरान आतंकवादियों की गोलियां कैप्टन तुषार के पैरों में लगी जिससे वे बीच में ही लड़खड़ा गए। बुरी तरह से लहूलुहान कैप्टन तुषार महाजन ने उस असहनीय दर्द को बर्दाश्त करते हुए जवाबी गोलीबारी से आतंकवादी को घायल कर दिया। भवन खाली कराने के दौरान उनके हाथ में पुनः गोली लगने से वे बुरी तरह जख्मी हो गए और अपनी अतुलनीय शक्ति, आक्रामकता और अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए कैप्टन तुषार ने आतंकवादी को मार गिराया और वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन तुषार महाजन ने एक आतंकवादी का सफाया करने और अपने जख्मी साथी को बचाकर निकालने के दौरान अदम्य साहस, शूरवीरता और प्रेरक नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कैप्टन तुषार महाजन के पिता श्री देवराज गुप्ता और साथ में उनकी माता श्रीमती आशा रानी गुप्ता। कैप्टन पवन कुमार, 10वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल मरणोपरांत। अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016 तक कैप्टन पवन कुमार ने अपने सैन्य दल के साथ 4 सफल अभियानों का नेतृत्व किया जिसमें 6 आतंकवादियों को मार दिया। अभी पिछले जख्मों से पूरी तरह ठीक भी नहीं हो पाए थे कि 20 फरवरी 2016 को कैप्टन पवन कुमार ने जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर अभियान के दौरान चिकित्सा परामर्श के विरुद्ध अपने सैन्य दल का नेतृत्व किया। अफसर ने गंभीर जोखिम उठाते हुए लक्षित भवन का गुप्त सर्वेक्षण किया और भवन में दखल ऑपरेशन में पार्श्विक नुकसान न होने का एक अत्यंत जोखिम भरा विकल्प संचालित करने का निर्णय लिया। आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए वे सबसे ऊपरी तल पर पहुंचे और उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियों पर गोली चलानी शुरू कर दी जिसमें आतंकवादी छुपे हुए थे। जैसे ही उन्होंने ग्रेनेड दागने के लिए दरवाजे पर पैर मारा,
अंदर छुपे हुए आतंकवादी ने उन पर नजदीक से गोली चला दी। अपने गंभीर जख्मों से बेपरवाह होकर और स्वयं को सुरक्षित स्थान पर जाने से इनकार करते हुए वे आतंकवादी पर गोलियां बरसाते रहे और उसे खत्म कर दिया। उनके इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई से उनके साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और शेष आतंकवादियों का सफाया करने का रास्ता भी साफ हो गया। लगातार 4 अभियानों में अतुलनीय साहस और अदम्य उत्साह का प्रदर्शन करते हुए कैप्टन पवन कुमार ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कैप्टन पवन कुमार के पिता श्री राजबीर सिंह। लांस नायक ओम प्रकाश, नवी बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल मरणोपरांत। लांस नायक ओम प्रकाश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में पंपोर भवन में हस्तक्षेपक दल का नेतृत्व करने वाले स्काउट थे। 21 फरवरी 2016 को प्रथम तल के दरवाजे में सेंध लगाकर वे सुरक्षा बलों को द्वितीय तल के गलियारे तक ले गए। जब तीसरे तल से उन पर अंधाधुंध गोलियां चली तो अपने साथियों पर मंडराते खतरे को देख उन्होंने तुरंत जवाबी गोलीबारी की। गोलीबारी में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जख्मों के असहनीय दर्द और बह रहे रक्त की परवाह न करते हुए स्वयं को असुरक्षित स्थिति में पाकर भी अदम्य आक्रामकता और बेजोड़ साहस दिखाते हुए आतंकवादियों की गोलियां दोबारा लगने से पहले उन्होंने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। उनकी बहादुरी से आगे बढ़ने के कारण उनके साथियों पर दबाव कम हुआ और इस तरह बचे हुए आतंकवादियों का सफाया करने का रास्ता साफ हो गया। अपने दस्ते की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाने के बाद ही वे छिपने के स्थान तक गए जहां से उन्हें बाहर निकाला गया। घायल होने के कारण वे अस्पताल में वीरगति को प्राप्त हो गए। लांस नायक ओम प्रकाश ने सर्वोच्च बलिदान देने से पहले एक आतंकवादी को मारने, अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्वयं को बाहर निकालने के दौरान अदम्य साहस, शूरवीरता और निस्वार्थ भावना का प्रदर्शन किया। स्वर्गीय लांस नायक ओम प्रकाश की पत्नी श्रीमती कृष्णा एवं साथ में उनकी माताजी श्रीमती द्रौपदी। आशु सिंह चीफ एमी मरणोपरांत। 6 मार्च 2016 को लगभग शाम 4 बजे INS विराट के बी बॉयलर कक्ष में डेक हेड की पट्टी में आग लगने और बड़े पैमाने पर आग सुलगने की घटना हुई। आशु सिंह चीफ एमी ने उपयुक्त प्रतिक्रियात्मक कदम उठाकर B1 बॉयलर में धमाके को रोकने तथा सामीप्य में अन्य मशीनरी को सुरक्षित बचाने में अनुकरणीय साहस और सूझबूझ का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए भीषण गर्मी और भारी धुएं के कारण अत्यंत दुष्कर परिस्थितियों में अन्य सभी पहरेदारों और स्टैंडिंग सी फायर पार्टी के साथ 35 मिनट तक निरंतर प्रयास करते हुए आग का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में अहम भूमिका अदा की, जिससे एक बड़ी आपदा को टाला जा सका। उन्होंने अन्य अग्निशामकों को समय पर बॉयलर कक्ष खाली करने की सलाह देकर उनका भी जीवन बचाया। नौसैनिक आशु सिंह चीफ एमी ने निर्भीक होकर अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए असाधारण शौर्य, अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए स्वयं से पहले सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया तथा सेना की सर्वोच्च परंपरा के अनुसार अपने जीवन का बलिदान दिया। स्वर्गीय आशु सिंह की पत्नी श्रीमती सुरज्ञान कवन एवं साथ में उनकी माताजी श्रीमती सुगन कवर। लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल गुप्ता दी महार रेजिमेंट 30वीं बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स। लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल गुप्ता 25 जुलाई 2016 को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिला स्थित सामान्य क्षेत्र में 4 विदेशी आतंकवादियों की तुरंत हुई इस एक घुसपैठ में अवरोध पैदा करने के लिए तैनात एक बड़ी घुसपैठ रोधी ग्रिड के 3 छोटी ऑपरेशनल दलों का नेतृत्व कर रहे थे।
आपने बुद्धिमत्ता पूर्वक एक दल के साथ एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में मोर्चा संभाल लिया ताकि अपने दल की सुरक्षा के साथ साथ आतंकवादियों की कोई भी हरकत को स्पष्ट देखा जा सके और अन्य दो टीमों को इसके पश्चिम और पूर्व में युक्तिपूर्वक तैनात कर दिया। आपके द्वारा ललकारे जाने पर आतंकवादियों ने तुरंत आप पर भारी गोलीबारी आरंभ कर दी। आपने सटीकता से जवाबी गोलीबारी की और टीम के सामंजस्य द्वारा तुरंत उनके बचने का मार्ग रोक दिया। आतंकवादियों द्वारा लगातार गोलीबारी के बावजूद अडिग रहते हुए अपने साथी द्वारा लगातार गोलीबारी के दरमियान तेजी से अपनी स्थिति को बदलते हुए एक पेड़ की आड़ लेकर आपने निडरतापूर्वक सामना करते हुए दो आतंकवादियों को अकेले ही बड़े नजदीक से मार गिराया। लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल गुप्ता ने अनुकरणीय साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया जिसके परिणाम स्वरूप चार आतंकवादियों का सफाया हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल गुप्ता। कैप्टन आशिक एमबी, 5वीं गोरखा राइफल्स, आगामी बल की प्रथम बटालियन। 22 सितंबर 2016 को नामपर जनरल क्षेत्र में एक कैंप में विध्वंसक कार्रवाई की योजना बनाते हुए कर्बी पीपल लिबरेशन टाइगर के हार्डकोर आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिलने पर कैप्टन आशिक ने कैंप को नष्ट करने और आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए एक मजबूत सर्जिकल स्ट्राइक के लिए योजना तैयार की। आपने अपने टीम का नेतृत्व करते हुए आतंकवादियों के कैंप के निकट रात 12:30 बजे घेराबंदी की। आपने बच निकलने के सभी संभावित रास्ते पर साथियों को तैनात किया। ललकारे जाने पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आपने निडर और वीरतापूर्वक कार्रवाई कर लक्षित जवाबी गोलीबारी करते हुए तुरंत दो आतंकवादियों को मार गिराया। चार आतंकवादियों ने आप पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए बच निकलने का प्रयास किया। अपने साथी के साथ आप आगे बढ़े और एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया। तत्पश्चात आपने अन्य दिशा में तैनात अपने साथियों को निर्देश दिए जिसके परिणाम स्वरूप तीन और आतंकवादी मारे गए। कैप्टन आशिक एमबी ने उच्च नेतृत्व, निर्भीक साहस, रणनीतिक कुशलता और सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत रूप से तीन आतंकवादियों को मार गिराया। परिणाम स्वरूप कर्बी पीपल लिबरेशन टाइगर के 6 कट्टर आतंकवादियों के एक दल का सफाया हो सका। कैप्टन आशिक एमबी। नायब सूबेदार विजय कुमार, द पैराशूट रेजिमेंट। नायब सूबेदार विजय कुमार उस हमलावर टीम का हिस्सा थे जिसे जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ठिकाने पर कार्रवाई करने का कार्य दिया गया था। आपने हमले से पहले की गई गुप्त रेकी के दौरान महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित की और मिशन योजना को सुगम बनाया। सही समय पर आपने ठिकाने पर अत्यंत भयंकर गोलीबारी की जिससे हमलावर दल द्वारा आतंकवादी ठिकाने को आसानी से घेरा जा सके। आतंकवादियों ने भी अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अपने सैनिकों को खतरे में महसूस करते हुए भयंकर गोलीबारी के बीच अपने जीवन की परवाह न करते हुए आप खुली पोस्ट के पीछे भाग कर गए और आतंकवादियों के स्वचालित हथियारबंद पोस्ट के अंदर अनेक ग्रेनेड लॉन्चर दागे जिससे दो आतंकवादी मारे गए और आतंकवादी ठिकाने का विध्वंस हुआ। उनमें से एक आतंकवादी अभी भी गोलीबारी कर रहा था। अपने साथी और हमलावर समूह के अन्य सदस्यों की जिंदगी को खतरे में महसूस करते हुए आपने अपने साथी को सुरक्षित स्थान पर धकेला और आतंकवादी पर जवाबी कार्रवाई कर उसे मार गिराया। नायब सूबेदार विजय कुमार ने राष्ट्र की सेवा में अदम्य साहस, दल भावना के उच्चतम स्तर, कर्तव्य निष्ठा से परे सहन शक्ति और शूरवीरता का प्रदर्शन किया। नायब सूबेदार विजय कुमार। राष्ट्रपति महोदय, आपके आने पर भी हो तो समारोह समाप्त किया जाए।